हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए पिनव्हील पोटैटो समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है मैदा, उसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, फिर ऐड कर लेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार, फिर उसमें हम ऐड करेंगे तेल, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे। देखिए इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसे अब हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे बॉयल पोटैटो, इसे मैंने मैश कर लिया है। हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और कटी हुई हरी मिर्च। हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, कैरम सीड, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज, इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब डो को हम अच्छे से बेल लेंगे पूरी तरीके से। ऐसा इसके ऊपर हम पोटैटो का मिक्सचर रेडी कर लेंगे रख के, इसे भी हम अच्छे से रख लेंगे इसमें। देखिए इस तरीके से अब हम इसे रोल कर लेंगे हल्के हाथों से। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगाकर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे इक्वल साइज में इस तरीके से। देखिए इसका हल्का शेप इस तरीके का, इसे हम प्रेस करके गोल वाइट कर लेंगे। इस तरीके से अब हम एक बॉल में लेंगे थोड़ा पानी, उसमें ऐड करेंगे हम मैदा और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्सचर रेडी है, इसमें हम डिप करके इसके बाद इसे निकाल कर हम छान लेंगे। हमें फ्लेम मीडियम ही रखना है, लो टू मीडियम, इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हमें बहुत लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अच्छे से हमारा फ्राई हो जाए। देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है, ये रेडी है। अब हम इसे निकाल के सर्व करते हैं। बहुत ही इजी और आसान रेसिपी और ये बहुत टेस्टी लगती है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है।